हेलो फ्रेंड्स, मैं उमर फारूक आप सभी का नाइस गार्डनिंग में एक बार फिर से वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं नर्सरी गया था और मैं कुछ प्लांट्स और पॉट्स खरीद के लाया हूँ जो आपको दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये मेरे नए पॉट्स और प्लांट्स जो मैंने नर्सरी गया था तो खरीद के लाया। मैं फ्रेंड्स 3 पॉट्स लाया हूँ और 1 प्लांट्स। प्लांट मैं एक ही लाया हूँ क्योंकि ज़्यादा प्लांट्स नर्सरी में नई वैराइटीज़ नहीं आई थी, वही पुराना वाला था। उन्होंने बोला मुझे कि कुछ दिन में आ जाएगा तो वो मुझे कॉल करके बताएंगे, तो इसीलिए मैं फिर जाऊँगा तो नए प्लांट्स लेके आऊँगा। और पॉट्स मैं 3 लाया। तो फ्रेंड्स, ये मैं बताया हूँ, ये एक्सोरा प्लांट है, जो बड़ा वाला एक्सोरा होता है उसका रेड कलर का जो खिलता है। एक इसकी मेरे पास दूसरी वैरायटी भी थी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो इसमें जो होते हैं वो फ्लावर्स छोटे आते हैं और पिंक कलर के आते हैं। फ्रेंड्स देखिए, दोनों में डिफरेंस। अब इसकी पत्तियाँ बड़ी हैं और इसकी छोटी, तो अगर आपको इसमें फ़र्क करना हो तो आप ये बड़ी पत्तियों वाला लीजिएगा और बड़े फ्लावर्स वाले चाहिए तो, और छोटे पत्तियों वाला अगर छोटे फ्लावर्स वाले चाहिए तो। फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ एक बात और। फ्रेंड्स, मैं आपको इसका रेट बताने जा रहा हूँ क्योंकि आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि कितने का पड़ा है। तो फ्रेंड्स, ये एक्सोरा प्लांट मुझे 20 का पड़ा है। वो मेरी जान पहचान है तो थोड़े सस्ते में ही दे सकता है। फ्रेंड्स, मैं इसको नर्सरी से लाया हूँ, गौशाला रोड में एक नर्सरी है सिवान बिहार में, मैं वहीं से जाके लाया हूँ। और फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मेरे 3 पॉट्स है। तो एक्सोरा मेरा 20 का पड़ा है और ये तीनों पॉट्स 30-30 के पड़े हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े हैं, फिर भी अभी तो मैं इनको लगाऊँगा तो आपको वीडियो बना के दिखा दूँगा। वैसे तो मैं इसमें अभी ऐसे ही एक्सोरा लगाऊंगा क्योंकि अब मेरे पास बड़े पॉट्स अवेलेबल नहीं हैं, पर जब मेरे पास बड़े पॉट्स अवेलेबल होंगे तो मैं आपको फिर रिपोर्ट कर दूंगा इसको, तो रिपोर्ट करूंगा उसका भी वीडियो बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली अगले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, अगर आप देखना चाहते हैं कि एक्सोरा प्लांट्स कैसे लगाते हैं तो मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि मैं उसमें एक्सोरा प्लांट को लगाना सिखाऊंगा और पॉटिंग मिक्स भी दिखाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय। अपना और अपने पौधे का ख्याल रखिए। बाय बाय।